हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नैनी क्लासेस। एंड टुडे वी आर गोइंग टू रीड द लेसन वर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स। आज हम रीड करने वाले हैं वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। आज की वर्कशीट हमारी क्लास सेकंड के स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। डियर चिल्ड्रन, एज यू हैव रेड दैट द फाइव वावल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज आर ए ई आई ओ एंड यू। जैसे कि आप सभी जानते हैं इंग्लिश लैंग्वेजेज में फाइव वावल्स होते हैं। कौन कौन से फाइव वावल्स हैं? ए ई आई ओ एंड यू, दीज आर फाइव वावल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। द रेस्ट ऑफ द लेटर्स आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट। बाकी लेटर्स को क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट बोलते हैं। देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में 26 लेटर्स होते हैं जिनमें से 5 वावल्स होते हैं ए ई आई ओ एंड यू, और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। तो ये लेटर्स कौन कौन से हैं? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये क्या है? लेटर्स से हैं इंग्लिश लैंग्वेजेस के। नाउ वर्ड्स क्या होते हैं? वर्ड्स आर ग्रुप ऑफ कॉन्सोनेंट्स एंड वावल्स अरेंज एंड रिटन इन द ऑर्डर ऑफ द साउंड दे मेक। वर्ड्स क्या हैं? ग्रुप हैं कॉन्सोनेंट्स एंड वावल्स के, जो कि अरेंज होते हैं एक ऑर्डर में, जैसी साउंड वो बनाते हैं। वर्ड्स क्या हैं? ग्रुप है कॉन्सोनेंट्स के एंड वावल्स के, और जो एक ऑर्डर में अरेंज होते हैं जैसी उनकी साउंड आती है। हाउएवर सम वर्ड्स डू नॉट हैव वावल्स। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें वावल नहीं होते हैं, सच एज शाय, स्ट्राय, बाय, स्काय, फ्लाय, हिम। तो ये क्या है? जिनमें कि वावल्स नहीं है, ये कॉन्सोनेंट से बने हुए वर्ड हैं। तो इन वर्ड्स को प्रोनाउंस करते हैं वाई की हेल्प से। तो हम इनको वावल की बजाय वाई की हेल्प से प्रोनाउंस करते हैं। डेट्स वाई वाई इज कॉल्ड सेमी वावल। इसीलिए जो वाई लेटर होता है इसको बोला जाता है सेमी वावल। क्या बोला जाता है? सेमी वावल बोला जाता है। अ बुक consisting of words with their meaning is called a dictionary. एक ऐसी बुक जिसमें कि वर्ड्स होते हैं उनकी मीनिंग के साथ, उसको हम बोलते हैं डिक्शनरी। जब हमें किसी वर्ड की मीनिंग देखनी होती है हम किसे यूज करते हैं? डिक्शनरी को। All the words in a dictionary are listed in an alphabetical order. सारे वर्ड्स जो कि डिक्शनरी में होते हैं वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं। सो वर्ड्स स्टार्टिंग विद ए विल बी प्लेस्ड बिफोर द वर्ड स्टार्टिंग विद बी। जो वर्ड्स ए से स्टार्ट हैं वो पहले होंगे, एंड देन उसके बाद बी, बी से होंगे, देन सी से। तो लाइक दिस ये क्या होते हैं? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं। इन द सेम वे द वर्ड्स विद सी ऑलवेज कम आफ्टर द वर्ड विद बी। तो बी से पहले ए आता है, एंड जो सी है वो हमेशा बी के बाद आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ओके, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या होता है ये आपको समझ आया। व्हेन ऑल द वर्ड्स स्टार्ट विद द सेम लेटर वी नीड टू चेक द ऑर्डर विद द सेकेंड लेटर ऑफ द वर्ड्स कम। जब सारे वर्ड्स स्टार्ट है एक ही सेम लेटर से तो हमें चेक करना है उसका सेकेंड लेटर। उसका सेकेंड लेटर हमें देखना है। ओके, इफ द फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर्स ऑफ बोथ द वर्ड्स आर सेम वी शुड लुक एट द नेक्स्ट लेटर ऑन एंड सो ऑन। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखने के लिए हमें क्या करना है? अगर फर्स्ट और सेकेंड लेटर सेम है तो हमें फिर उसे थर्ड लेटर देखना है। ओके,
Now, worksheet. Arrange the following words in alphabetical order. तो हमें इन्हें alphabetical order में arrange करना है. इन words को alphabetical order में arrange करना है. See here, horse, cow, fish, tiger, elephant. तो हमें देखना है सबसे पहले कौन सा letter आएगा. A, B, C. तो C. Cow. A, B, C, D. D नहीं है कोई. तो E. Elephant. Then फेस ए बी सी डी ई एफ हमने लिख दिया, जी नहीं है. देन एच हॉर्स, देन टाइगर. तो इसे हमने लिख दिया अल्फाबेटिकल ऑर्डर में. नेक्स्ट इज हमने देखना है, पहले आएगा बॉक्स. ए बी सी नहीं है, डी नहीं है, ई एफ जी एच. अच्छा, सबसे पहले एप्पल आएगा, एप्पल भी है यहाँ पे. तो हम यहाँ पे लिखेंगे एप्पल, देन बॉक्स, देन ए बी सी डी ई भी नहीं है, एफ भी नहीं है, जी एच भी नहीं है, आई एंक, देन आई जे के एल एम एन ओ पी पैन, देन टी टेबल, देन जेड एंड में आता है तो जे. ओके, नाउ नेक्स्ट सबसे पहले आएगा यहाँ पे कप, फिर डिश, देन लॉक, देन क्वीन, देन याक. लाइक दिस वी विल राइट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. नेक्स्ट इज अब हम देखेंगे ए से कोई नहीं है, बी से है तो बी बॉक्स, देन एग, देन कौन क्या आएगा, वायलेट, देन ऑक्स आएगा एग के बाद, ऑक्स, देन वायलेट, देन वॉच, एंड में जेब्रा. नेक्स्ट इज मंकी, मैन, म्यूल, मिल्क मैन. तो सारे एम से स्टार्ट हुए, तो हम उसका सेकेंड लेटर देखेंगे. मैन सबसे पहले आएगा, देन एम एन मैन आएगा, देन एम आई एल के मिल्क, एंड देन आएगा एम ओ एन के ई वाई मंकी, देन एम यू एल ई म्यूल. तो हमने इन्हें लिखा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में. नाउ नेक्स्ट वर्कशीट. हाँ, एक और बचा है, टप, टॉय, टैप, टेन, टस्क. तो सारे वर्ड्स टी से स्टार्ट हुए, तो हम सेकेंड लेटर देखेंगे. सबसे पहले आएगा टी ए पी, टैप, ए पहले आता है. फिर हम देखेंगे कौन सा आएगा, टी ई एन, टेन. ओके, उसके बाद आएगा टी ओ वाई, टॉय. अब देखो यू वाले टू वर्ड्स हैं, तो हम इसमें देखेंगे थर्ड लेटर. तो पहले आ जाएगा टी यू बी टब, देन आ जाएगा टी यू एस के टस्क. ये हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किए. अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, लुक एट दीज पिक्चर्स एंड राइट द नेम्स ऑफ द थिंग्स इन विच ग्रुप एंड देन अरेंज द वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. तो हमने इन्हें पहले हमें नेम लिखने हैं इनके. ओके, हमें मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दिए गए हैं, देन उन्हें हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है. तो ये क्या है, एक कार है, ये क्या है, ट्रेन है, एंड दिस साइकिल, एंड दिस वन बस, एंड दिस एरोप्लेन. अब देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, एरोप्लेन ए से स्टार्ट हुआ है, एरोप्लेन, एंड देन ए बी से बस, देन कार, देन साइकिल. यहाँ पर सी से दो वर्ड्स थे, लेकिन हमने देखा है कि सेकेंड लेटर को हमने देखा, ए पहले आता है वाई से, देन ट्रेन. तो हमने इन्हें अरेंज कर दिया अल्फाबेटिकल ऑर्डर में. अब नेम्स ऑफ एनिमल्स, कुछ नेम्स हैं एनिमल्स के. ये क्या है, ये डॉग है, ये कैमल है,
ये क्या है, टाइगर है, एंड ये क्या है, एलिफेंट है, एंड दिस वन इज, ये क्या है, डंकी है। तो हम इन्हें अरेंज करेंगे, सबसे पहले ए से कोई नहीं है, बी से भी नहीं है, तो कैमल सी से है, एंड देन डी से डॉग एंड डंकी है, तो हम इसमें डी के बाद ओ भी है, तो हम थर्ड लेटर देखेंगे, तो डॉग पहले आएगा, देन आएगा डंकी, देन एलिफेंट, एंड देन टाइगर। तो आज की वर्कशीट पर हमने सीखा वर्ड्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखना। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।